हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक से चैप्टर नंबर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इसके राइटर है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यह स्टोरी एक साइंटिस्ट के बारे में है। रिचर्ड एब्राइट हैज़ रिसीव्ड द सर्ली स्कॉलर अवार्ड एंड द शेरिंग प्लाउ अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। तो ये पूरा स्टोरी एक साइंटिस्ट के बारे में है और वो साइंटिस्ट का नाम है रिचर्ड एब्राइट। इस नाम को याद कर लीजिए। इन्हें ये दो अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज डैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। और ये जो साइंस में इनका इंटरेस्ट इतना इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि उनको बटरफ्लाइज के तरफ काफ़ी ज़्यादा फैसिनेशन था। फैसिनेशन मतलब अट्रैक्शन। ठीक है, तो बटरफ्लाइज के तरफ अट्रैक्शन के कारण ही वो साइंस की दुनिया में इतना तरक्की कर पाए। चलिए देखते हैं स्टोरी में कैसे उन्होंने क्या क्या तरक्की किया है। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर सिर्फ ये दो बात याद कर लीजिए कि साइंटिस्ट का नाम है रिचर्ड एब्राइट और उन्हें बटरफ्लाइज की तरफ काफ़ी अट्रैक्शन था। चलिए स्टार्ट करते हैं। एट द एज ऑफ 22 द फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद ए न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। रिचर्ड एब्राइट 22 साल के थे और वो पहले स्काउट ऑफ द ईयर भी रह चुके थे। स्काउट एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो सोल्जर का ट्रेनिंग ले लिया हो, मतलब उसे ये सिखाया गया हो कि अपना हेल्प कैसे करे और दूसरों का हेल्प कैसे करे। ठीक है, तो वो पहले स्काउट ऑफ द ईयर भी रह चुके थे। उन्होंने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को चौंका दिया अपने एक नई थ्योरी से और वो थ्योरी था ऑन हाउ सेल्स वर्क। आपको पता है कि हमारे शरीर जो है वो छोटे छोटे सेल से बने हुए हैं, तो वो सेल्स काम कैसे करते हैं इसके बारे में थ्योरी लिखकर उन्होंने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को चौंका दिया। ठीक है, तो जैसे जैसे हम अंडरलाइन किए हैं वैसे वैसे आप भी अंडरलाइन कर लीजिए अपने बुक में, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ये रिचर्ड एब्राइट का फुल नाम है रिचर्ड एच एब्राइट। ठीक है, तो वो और उनके कॉलेज के रूममेट थे, इन दोनों ने मिलकर इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया एक आर्टिकल में। और वो आर्टिकल कहाँ छपा? इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ये एक साइंटिफिक जर्नल है। ठीक है, इसमें किसी का आर्टिकल छपना, साइंटिफिक आर्टिकल छपना काफ़ी सम्मान का बात माना जाता है, तो इन दोनों का आर्टिकल इसमें छपा था। और वो थ्योरी किसके रिगार्डिंग था? कि सेल्स कैसे काम करता है, ये बात को आप याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। ऐसा ये पहली बार हुआ था कि इतना इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, उस जर्नल का नाम क्या है? प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। इस जर्नल में कि किसी कॉलेज के स्टूडेंट का आर्टिकल इसमें छपा हुआ हो, ऐसा पहली बार हुआ था ये। नहीं तो आमतौर पर बड़े बड़े रिसर्चर लोग के आर्टिकल ही इसमें छपते हैं। ठीक है, इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन फॉर द फर्स्ट टाइम एट बैट। अगर हम इस सक्सेस को स्पोर्ट्स से अगर कंपैरिजन करें तो ये ऐसा होगा कि मान लीजिए एक बिग लीग हो रहा है, बिग लीग मतलब हाइएस्ट रैंकिंग चैंपियनशिप हो रहा है स्पेशली बेसबॉल का, और उस चैंपियनशिप में एक 15 साल का लड़का आता है और पहली बार बैटिंग करते हुए ही होम रन हिट कर देता है। तो ये जितना सक्सेस माना जाता है ना, उतना ही सक्सेस इस साइंटिफिक जर्नल में अपना एक आर्टिकल छपना माना जाता था। ठीक है, यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। गेटिंग अ पेपर पब्लिश्ड एट द एज ऑफ 15 इन अ साइंटिफिक जर्नल इज हेयर कंपेयर टू स्कोरिंग अ होम रन वाइल बैटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उस साइंटिफिक जर्नल में पेपर पब्लिश करना उतना ही बड़ा सक्सेस माना जाता है जितना कि पहली बार बैटिंग करते हुए होम रन स्कोर करना। ठीक है, और ये अमेरिका का कंट्री का बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो अमेरिका में बेसबॉल ही वहाँ पे नेशनल स्पोर्ट है और ये होम रन जो है ये बेसबॉल में टर्म यूज़ होता है। ठीक है, बस ये कंपैरिजन के लिए है, उतना आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। रिचर्ड एब्राइट के लिए ये पहला ऐसा अचीवमेंट था। ऐसे तो उन्होंने कई सारे अचीवमेंट किए हैं, स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट मतलब बहुत सारे अचीवमेंट उन्होंने किए हैं साइंस और अदर फील्ड्स में भी, लेकिन उनके लिए भी इस साइंटिफिक जर्नल में अपना आर्टिकल छपना एक बड़ा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, अच्छा एक्सपीरियंस था। ठीक है, एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। और ये सारा जो इनका अचीवमेंट का सिलसिला है ये सब बटरफ्लाइज के साथ स्टार्ट हुआ था। अब ये तो हो गया प्रेजेंट सिनेरियो में ऐसा ऐसा सीन है। अब देखते हैं, अब हम उनका कहानी को पढ़ेंगे पूरा बचपन से लेकर कॉलेज लाइफ तक और देखेंगे कि उन्होंने किस किस क्लास में क्या क्या चीज़ अचीव किया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एन ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। तो रिचर्ड एब्राइट इकलौते बच्चे थे अपने पेरेंट्स के और उनका पालन पोषण रीडिंग में हुआ था। रीडिंग एक शहर का नाम है इन पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया एक स्टेट है इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है,
तो ये इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, इसको याद कर लेना है आपको कि यहाँ पे इनका इन्होंने ग्रू अप किया। देयर वॉजेंट मच आई कुड डू देयर ही सेड। तो रिचर्ड एबराइट बोलते हैं कि उन्हें वहाँ पर ज़्यादा कुछ करने को था नहीं। आई सर्टनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन। वो वहाँ पे चूँकि इकलौते बच्चे थे और कोई वहाँ पे बच्चा लोग था नहीं, तो उस वजह से वो वहाँ पे फुटबॉल या फिर बेसबॉल तो खेल नहीं सकते थे। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। लेकिन एक चीज़ वो ज़रूर कर सकते थे वहाँ पे, वो चीज़ों को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए। कहाँ पे? रीडिंग पेंसिल्वेनिया में, ठीक है। सो ही डीड एंड डीड ही एवर। तो उन्होंने चीज़ों को कलेक्ट करना स्टार्ट भी कर दिया और वो हमेशा करते रहे कलेक्ट। बिगनिंग इन किंटर गार्डन। तो उन्होंने चीज़ों को कलेक्ट करना किंटर गार्डन मतलब केजी क्लास से ही स्टार्ट कर दिया। एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन डैट हैज़ मार्क्ड ऑल हीज एक्टिविटीज़। तो एब्राइट का ये एक स्पेशल फीचर था कि वो किसी भी काम को काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ करते थे, मतलब दृढ़ निश्चय के साथ। तो जिस डिटर्मिनेशन के साथ वो बाकी सब काम करते थे, उसी डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने बटरफ्लाई कलेक्ट करना भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये वर्ड को अंडरलाइन कीजिएगा, उनका एक स्पेशल फीचर है, वो काफ़ी डिटर्मिनेशन के साथ किसी भी काम को करते हैं। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। उन्होंने बटरफ्लाइज के साथ साथ रॉक्स भी कलेक्ट किया, फॉसिल्स। फॉसिल्स का मतलब होता है जो हज़ारों साल पहले प्लांट और एनिमल्स मर चुके हैं, उनका मिट्टी खोद के उनका डेड रिमेन्स को निकालना, और कॉइन्स, ठीक है। ये सब चीज़ भी उन्होंने कलेक्ट किया। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू, समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑन लाइट। और वो एक एस्ट्रोनॉमर भी बने। एस्ट्रोनॉमर ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो सन, मून या फिर स्टार्स के बारे में स्टडी करे, ठीक है। और कभी कभी तो वो रात भर तक स्टार्स को देखते रह जाते थे, इतने ईगर एस्ट्रोनॉमर थे वो। समझे कि नहीं यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ने से पहले, ये अमेरिका कंट्री का बात हो रहा है तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है उसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम आगे स्टोरी को समझेंगे, उससे कहानी समझने में ईजी हो जाएगा थोड़ा। तो ये आप पिक्चर देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, यहाँ पे देखिए अमेरिका में स्कूल एजुकेशन कुछ ऐसा है। किंडरगार्टन से स्टार्ट होता है केजी क्लास से, और फिर फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड करते करते ट्वेल्थ ग्रेड तक जाते हैं। यहाँ पर केजी से लेके क्लास फाइव तक, फिफ्थ ग्रेड तक, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री स्कूल, ठीक है। फिर सिक्स ग्रेड से लेके एट्थ ग्रेड तक को बोलते हैं मिडिल स्कूल, और नाइन्थ से ट्वेल्थ ग्रेड तक को बोलते हैं हाई स्कूल। इतना समझे? अब देखिए जो इलेवेंथ ग्रेड है ना, इसको हम लोग हाई स्कूल जूनियर भी बोलते हैं, और ट्वेल्थ ग्रेड को हाई स्कूल सीनियर भी बोलते हैं। इसको याद कर लीजिए आप, ये स्टोरी में बहुत बार इसका जिक्र होगा। कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल, तो आप क्या बोलेंगे? नाइन्थ ग्रेड बोलेंगे। सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल, तो टेंथ ग्रेड बोलेंगे, ठीक है। फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद कॉलेज में आ जाते हैं बच्चे लोग वहाँ पे, और फिर वहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर होता है, चार साल का कॉलेज। फर्स्ट ईयर को हम लोग फ्रेशमैन ईयर भी बोलते हैं, इसको याद कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ईयर को सोफोमोर ईयर, और थर्ड ईयर को जूनियर ईयर, और फोर्थ ईयर को सीनियर ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्मिनोलॉजी, इसको याद कर लीजिए, स्टोरी समझने में काफ़ी ईजी होगा इससे, ठीक है। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विथ अ ब्राइट माइंड। तो स्टार्टिंग से ही उनके मन में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी था चीज़ों को जानने का, ठीक है, और उनके पास एक काफ़ी ब्राइट माइंड भी था। तो ये दो वर्ड को भी अंडरलाइन कीजिएगा जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो फीचर था उनमें। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। और उनके पास एक मम्मी भी थी जो मम्मी उनको इंकरेज करती थी कि उनको लर्निंग में ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट हो। अब यहाँ पे मदर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं वो क्या क्या रोल परफॉर्म करती है। सी टूक हिम ऑन ट्रिप्स, बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट, एंड हेल्प्ड हिम इन मेनी अदर वेज। तो उनकी मम्मी जो थी वो उन्हें ट्रिप पर ले जाया करती थी, ठीक है। आपको पता है कि ट्रैवलिंग करने से भी काफ़ी चीज़ सीखने को मिलता है, तो ऐसा उनकी मम्मी करती थी। और उनके लिए टेलीस्कोप ला के दी क्योंकि उन्हें एस्ट्रोनॉमी का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। माइक्रोस्कोप ला के दी, कैमराज ला के दी, माउंटिंग मटेरियल मतलब जिस पे कैमरा रखा जाएगा वो सब ला के दी, और भी कई सारे इक्विपमेंट ला के दी, और उनको और भी कई सारे तरीक़ों से उन्होंने उन्हें हेल्प किया, ठीक है। तो ये मदर का रोल याद कीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि मम्मी ने उसे कैसे हेल्प किया। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन टिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड। तो उनकी मम्मी कहती है कि जब तक वो स्कूल में ना चले गए तब तक रिचर्ड एब्राइट के इकलौते साथी कौन थी? उनकी मम्मी ही थी, क्योंकि वहाँ पर और कोई बच्चा था नहीं। स्टार्टिंग में भी हमने देखा था कि वहाँ पे उन्होंने कहा था कि आप फुटबॉल और बेसबॉल नहीं खेल सकते हैं एक टीम के साथ, मतलब एक बच्चे के साथ, क्योंकि वहाँ पे वो इकलौते बच्चे थे रीडिंग पेंसिल्वेनिया में। आफ्टर डैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। और जब वो स्कूल चले गए तब उन्होंने क्या किया, उनकी मम्मी ने, कि उनके दोस्तों को भी घर में बुलाती थी वो ताकि लोग बात करें और कुछ सीखें। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। लेकिन रात के समय में वो दोनों माँ बेटे एक साथ बैठते थे और एक साथ काम करते थे।
रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड वेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड. तो रिची मतलब रिचर्ड एब्राइट को यहाँ पे बोला गया है. तो जब रिचर्ड एब्राइट जब थर्ड ग्रेड में थे तब उनके पिताजी का मृत्यु हो जाता है और उसके बाद रिची और उसकी माँ एक साथ ही रहते हैं. ठीक है. सी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल. तो उसकी माँ और रिचर्ड एब्राइट दोनों हर शाम को या फिर रात को अपना समय कहाँ बिताते हैं, डाइनिंग रूम के टेबल पर बिताते हैं. If he didn't have things to do, I found work for him. Not physical work, but learning things, his mother said. तो उनकी मम्मी बोलती है कि अगर रिचर्ड के पास कोई काम करने को ना हो तो मैं उसके लिए काम ढूंढ के देती थी. ऐसा नहीं कि फिजिकल काम कोई करवाई, घर पोछा या फिर झाड़ू लगवाना, ऐसा काम नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, ऐसा काम जिसे उसे कुछ सीखने को मिले. ही लाइक इट, और इसे यह पसंद भी था. ही वॉन्टेड टू लर्न, और रिचर्ड चीज़ों को सीखना चाहता था. तो अभी तक हमने रिचर्ड एब्राइट का कुछ स्पेशल फीचर देखा है. क्या क्या देखा हमने, देखिए. सबसे पहले हमने देखा कि वो किसी भी काम को डिटर्मिनेशन के साथ करते थे, ये पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, उनके मन में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी था, चीज़ों को जानने का इच्छा था. ठीक है. तीसरा पॉइंट, उनके पास एक ब्राइट माइंड था, वो काफ़ी तेज़ दिमाग वाले थे. और चौथा, ही वॉन्टेड टू लर्न, वो चीज़ों को सीखना चाहते थे. तो ये सब कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ है जो उनमें बचपन से ही प्रेजेंट था, और यही सब चीज़ उन्हें एक साइंटिस्ट बनने में हेल्प किया. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. और ये सब चीज़ को आप याद कर लीजिए, ठीक है, जो जो अंडरलाइन किया हुआ है. एंड लर्न ही डिड, और उन्होंने चीज़ों को सीखा भी. ही अर्न्ड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, स्कूल में जब वो थे तो वो हमेशा फर्स्ट आते थे. ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड. और उनकी मम्मी कहती है कि बाकी सब कामों में, ठीक है, रोज़मर्रा के कामों में वो जैसे बाकी बच्चे करते हैं वो वैसे ही थे, ऑर्डिनरी बच्चे की तरह परफॉर्म करते थे, लेकिन पढ़ाई में वो टॉप क्लास थे. बाई द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन. जब वो सेकेंड क्लास में गए तब एब्राइट ने उनके होम टाउन में जितने भी प्रजाति के बटरफ्लाई पाए जाते हैं, 25 प्रजाति थे वहाँ पे, वो 25 को कलेक्ट कर चुके थे. ठीक है. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का बटरफ्लाई का यहाँ पे नाम दिया गया है. ये देखिए, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स इन रीडिंग पेंसिल्वेनिया. 6 हफ्तों में उन्होंने ये सब स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई को कलेक्ट किया था. तो अगर आप यहाँ पे देखें, इसको बोलते हैं स्पीसीज, गोसैमर विंग्ड बटरफ्लाइज, और ये सब हो गया उसमें सब स्पीसीज. फिर ये स्पीसीज, इसका कोई सब स्पीसीज नहीं है. फिर ये स्पीसीज, इसका सब स्पीसीज, ये स्पीसीज, इसका सब स्पीसीज. ठीक है. अगर आप इसको ब्लैक डॉट्स को काउंट करेंगे तो ये सब मिलेगा 24, और इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 25. ठीक है, चलिए. तो ये सब याद नहीं करना है आपको, बस ऐसे दिया गया ये. That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. तो रिचर्ड एब्राइट बोलते हैं कि जब उन्होंने 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई कलेक्ट कर लिया था सेकेंड ग्रेड में, तो उनका जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग का जो काम है वो ख़त्म हो गया होता. ठीक है. बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एग्स. लेकिन तभी उनकी मम्मी ने क्या किया, एक उन्हें बुक ला के दिया, और उस बुक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एग्स. बहुत इंपॉर्टेंट है, यही उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था. That book which told how monarch butterflies migrate to Central America opened the world of science to the eager young collector. तो उस बुक में बताया गया था कि कैसे monarch butterfly, एक टाइप का बटरफ्लाई है, इसका आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये स्पीसीज है. ठीक है, ये कैसे माइग्रेट करते हैं सेंट्रल अमेरिका तक. ठीक है, इसमें ये बताया गया था. ये बुक पढ़ के उन्हें पता चला कि वर्ल्ड ऑफ साइंस क्या है. अभी तक तो वो सिर्फ चीज़ों को कलेक्ट करते थे, लेकिन अब उन्हें पता चला कि साइंस असली मायने में है क्या. ठीक है, तो आप ये क्रोनोलॉजी याद करते चलिए. सबसे पहले हमने देखा था कि उन्होंने किंडरगार्टन में चीज़ों को बस कलेक्ट करना स्टार्ट किया था, बटरफ्लाई कलेक्ट किया उन्होंने. फिर जब वो सेकंड ग्रेड में पहुंचे तब उन्होंने 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई कलेक्ट कर चुके थे 6 हफ्ते में. ठीक है, सेकंड ग्रेड में ये हुआ. अब देखते हैं आगे क्या होता है. और फिर सेकंड ग्रेड में ही उनकी मम्मी ने उन्हें ये बुक ला के दिया, जिस बुक में बताया गया था कि ये जो मोनार्क बटरफ्लाई है ये कैसे माइग्रेट करते हैं टू द सेंट्रल अमेरिका. ठीक है, चलिए. और ये इस बुक का नाम याद कर लीजिए यहाँ पे. और एक बात यहाँ पे, मम्मी का रोल देखिए. मम्मी का रोल पहले तो ये था कि उनके डार्लिंग में हेल्प किया उन्होंने, ये सब चीज़ उन्होंने उन्हें खरीद के दिया. फिर उनकी मम्मी ने ही उन्हें ये बुक ला के दिया, और यही बुक उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस. और उसी बुक के एंड में रीडर्स को इन्वाइट किया गया था कि आप लोग भी हेल्प कीजिए बटरफ्लाई के माइग्रेशन को स्टडी करने में. ठीक है, बुक का नाम क्या है, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एग्स. तो दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाई डॉक्टर फ्रेडरिक ए यूकार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा. तो उन्हें रीडर्स को बोला गया था कि आप लोग क्या कीजिए, बटरफ्लाई को टैग कीजिए,
बटरफ्लाई टैग करना मतलब आप बटरफ्लाई के विंग के नीचे एक छोटा सा स्टिकर चिपका देते हैं, उस स्टिकर में एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है, और उस नंबर से पता चलता है कि वो जो बटरफ्लाई है वो कहाँ कहाँ तक माइग्रेट किया है, कहाँ कहाँ से ट्रैवल करके आया हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने किसी बटरफ्लाई को कैच किया और उसके विंग पर एक छोटा सा स्टिकर चिपका दिया, मतलब आपने उस बटरफ्लाई को टैग कर दिया, ठीक है। वो बटरफ्लाई उड़ के किसी और के पास जाएगा, अब वो इंसान उस बटरफ्लाई को कैच करेगा और देखेगा कि उसमें उसका विंग में कौन सा स्टिकर लगा हुआ है, मतलब कौन सा नंबर है वहाँ पे। तो वो नंबर का इन्फॉर्मेशन वो किसी रिसर्चर के पास पहुँचाएगा जो जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिसर्च कौन कर रहा था, डॉक्टर फ्रेडरिक ए यूकार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। तो कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, उसमें एक प्रोफेसर है डॉक्टर फ्रेडरिक ए यूकार्ट, तो यही रिसर्च कर रहे थे कि बटरफ्लाइज माइग्रेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो रीडर्स को बोला गया था कि आप बटरफ्लाई को टैग करो। तो एब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर यूकार्ट एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क। तो एब्राइट की मम्मी ने डॉक्टर यूकार्ट को लेटर लिखा कि हाँ मेरा बेटा भी बटरफ्लाई को टैग करना चाहता है, तो उन्होंने वो स्टिकर भेजा होगा रिचार्ड के पास। एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग्स, और तुरंत ही एब्राइट मतलब रिचार्ड एब्राइट छोटे छोटे एडेसिव टैग्स मतलब स्टिकर जो है वो मोनार्क के विंग्स पर चिपकाने लग गए थे, मतलब उन्होंने भी बटरफ्लाई का टैगिंग स्टार्ट कर दिया। एनी वन हु फाउंड द टैग्ड बटरफ्लाई वॉज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर यूकार्ट। और किसी को भी अगर वो टैग बटरफ्लाई मिलता था तो उसमें बोला गया था कि आप इस टैग को डॉक्टर यूकार्ट के पास पहुँचा दें। इससे पता चलेगा डॉक्टर यूकार्ट को कि वो बटरफ्लाई कहाँ कहाँ से माइग्रेट करके आया हुआ है। समझे कि नहीं समझे यहाँ तक, चलिए। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। तो बटरफ्लाई को पकड़ने का जो सीजन है ना रीडिंग शहर में, वो सिर्फ 6 हफ्ते ही तक चलता है, वो भी समर के एंड में। सी ग्राफ बिलो, नीचे एक ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे बटरफ्लाई का स्पीसीज है, सब स्पीसीज नहीं लिखा गया है, सिर्फ स्पीसीज लिखा गया है यहाँ पे। और 6 हफ्तों में कौन से बटरफ्लाई को रिचर्ड एब्राइट ने कलेक्ट किया था, कितने कितने कलेक्ट किया था वो यहाँ पे बताया गया है। गोसैमर विंग, उन्होंने 8 बटरफ्लाई कलेक्ट किया था उस 6 हफ्ते में। फिर वुड नीम्स एंड सतायर्स, ये उन्होंने 2 बटरफ्लाई कलेक्ट किया था उस 6 हफ्ते में। फिर ऐसे करके बाकी सब, तो ये आपको याद नहीं करना है, बस ये समझने के लिए था। इफ़ यू आर गोइंग टू चेस देम वन बाई वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी। अगर आप बटरफ्लाई को एक एक करके कलेक्ट करेंगे ना तो आप ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप देखिए 6 हफ्तों में उन्होंने सिर्फ इतना ही कलेक्ट किया, तो ये बहुत कम नंबर से। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई। तो एब्राइट के लिए अगला काम क्या था कि उन्हें बटरफ्लाई का पालन पोषण करना स्टार्ट करना था, ठीक है। रेज मतलब पालना पोषना, फ्लॉक मतलब ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज को। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, टेक हर एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई। तो रिचर्ड एब्राइट क्या करने लगे, वो फीमेल मोनार्क को कैच करते थे, उनके अंडे लेते थे, और फिर वो अपने बेसमेंट में, बेसमेंट क्या होता है, बिल्डिंग का नीचे वाला इलाका, जो नीचे वाला एरिया जो अंडरग्राउंड होता है, ठीक है, वहाँ पे उनको रेज करते थे फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई। ये उसका पूरा लाइफ साइकिल है। आपको पता है बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल क्या होता है, आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा। सबसे पहले अंडा होता है, फिर अंडे के बाद कैटरपिलर डेवलप होता है, फिर प्यूपा होता है, फिर एडल्ट बटरफ्लाई। तो ये पूरा लाइफ साइकिल फॉलो करते हुए उन्होंने बटरफ्लाई को रेज किया। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो। फिर वो बटरफ्लाई के विंग्स को टैग करते थे, मतलब उसमें एडेसिव टैग्स चिपका देते थे और उन्हें जाने देते थे। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो आने वाले कई सालों के लिए उनका जो बेसमेंट था ना घर का, वहाँ पे हज़ारों मोनार्क्स वहाँ पे थे और अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में थे। अलग अलग स्टेजेस मतलब कोई तितली अभी कैटरपिलर के स्टेज में था, कोई प्यूपा बना हुआ था, कोई अभी भी एक था, कोई बटरफ्लाई बन चुका था, ठीक है। तो ऐसे करके थे वहाँ पे। इवेंचुअली आई बिगैन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। लेकिन धीरे धीरे रिचर्ड एब्राइट को ये बटरफ्लाई टैगिंग में इंटरेस्ट कम होने लग गया। क्यों? क्योंकि इट्स टेडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक। टेडियस मतलब बोरिंग और काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला काम, ठीक है, मतलब थका देने वाला काम को बोलते हैं टेडियस काम। तो उन्हें ये बटरफ्लाई को टैग करना काफ़ी एक टेडियस काम लगता था और ज़्यादा मच फीडबैक भी नहीं मिलता था। इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लाफ्ड, ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। तो वो बोलते हैं कि उन्होंने, मैंने जितने भी बटरफ्लाई को टैग किया ना, उसमें से सिर्फ 2 बटरफ्लाई ही ऐसे थे जिन्हें वापस कैप्चर किया गया, और वो भी 75 मील से ज़्यादा दूर नहीं गए थे मेरे घर से, ठीक है। तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहा नहीं उनका टैगिंग का एक्सपीरियंस, तो ये उन्हें बताया गया है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उन्हें बटरफ्लाई टैगिंग से इंटरेस्ट क्यों लूज होने लग गया, तो बिकॉज
ये काफ़ी उन्हें टेडियस काम लगता था और उन्हें ज़्यादा फीडबैक भी नहीं मिला। तो ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उन्होंने जितने भी बटरफ्लाई छोड़े उसमें से सिर्फ ओनली 2 बटरफ्लाईज वर रिकैप्चर्ड और डैट ऑल्सो नॉट मोर देन 75 miles फ्रॉम वेयर ही लिव्ड। अब यहाँ पे दिया गया है 7th grade का कहानी। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले उन्होंने किंडरगार्टन क्लास में बटरफ्लाई कलेक्ट करना स्टार्ट ही किया था। फिर 2nd grade तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने बटरफ्लाई के 25 स्पीसीज कलेक्ट कर चुके थे। फिर उन्होंने बटरफ्लाई टैगिंग किया, ठीक है, और उन्होंने उसे इंटरेस्ट भी लूज़ कर दिया। फिर अब ऐसे करते करते वो अब 7th grade में पहुँच चुके हैं। देन इन द 7th grade ही गॉट अ हिंट ऑफ वॉट रियल साइंस इज वेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट। तो 7th grade में उन्हें पता चला कि असली में साइंस क्या होता है जब वे एक काउंटी मतलब रीजनल, ठीक है, रीजनल साइंस फेयर में वो हिस्सा लिए और उसमें वो हार गए। तब उन्हें पता चला कि सही मायने में साइंस क्या है। देखते हैं उन्हें क्या पता चला। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनी थिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग, एब्राइट सेड। एब्राइट बोलते हैं कि ये काफ़ी सैड फीलिंग होता है जब आप चुपचाप बैठे रहे और बाकी सभी किसी को कुछ ना कुछ प्राइज़ मिल रहा हो और आप ऐसे ही बैठे हो, तो ये काफ़ी बुरा फीलिंग होता है। हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज। वो उस कंपटीशन में क्या दिखाए थे, स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यू, ठीक है, फ्रॉक टिश्यू लेके उसको एक शीशे का स्लाइड होता है उसमें रख के माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाना होता है। उन्होंने ये चीज़ दिखाया था विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। तो उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि जो लोग जीते थे ना प्राइज, वो लोग क्या किए थे, सही मायने में वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे, जबकि एवराइट ने क्या किया था, वहाँ सिर्फ अपना डिस्प्ले दिखाया था, स्लाइड दिखाया था। तो सिर्फ दिखाने से नहीं होगा, वहाँ पे करना होगा, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा, तब आप कुछ जीतोगे, ठीक है। तो ये उन्हें पता चला साइंस के बारे में, असली में साइंस यही होता है, ठीक है, कि चीज़ों को करके देखना। ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एवराइट वॉज अपियरिंग। तो अब इनका एक और फीचर पता चला कि रिचर्ड एब्राइट में एक कम्पिटिटिव स्पिरिट था, वो कंपटीशन करना चाहते थे लोगों से, ठीक है, तो ये उनमें डेवलप होने लगा। आई न्यू डैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, ही सेड। तो रिचर्ड एब्राइट बोलते हैं कि मुझे समझ में आ चुका था कि अगले साल के फेयर के लिए, ठीक है, मुझे एक रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाना होगा अगर मुझे कुछ जीतना है तो। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। और मुझे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में पता था, और वो सब्जेक्ट क्या था, इंसेक्ट के बारे में, मतलब बटरफ्लाई के बारे में, जो मैं पिछले कई सालों से करता आ रहा हूँ। सो ही रोड टू डॉक्टर यूकहार्ट फॉर आइडियाज़। तो एक बार वो फिर से डॉक्टर यूकहार्ट के कॉन्टेक्ट में आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मुझे कुछ आइडियाज़ दीजिए मुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट। और वापस डॉक्टर यूकहार्ट ने क्या उन्हें भेजा, स्टैक मतलब थोक, ठीक है, काफ़ी सारे सजेशंस उन्होंने भेजा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। Those kept Ebright busy all through high school. तो Ebright जो थे वो अपने हाई स्कूल तक इस यही सब एक्सपेरिमेंट में काफ़ी बिजी रहे, ठीक है। हाई स्कूल आपको पता है, हमने आपको याद कराया था, क्लास 9 से लेकर 12 तक को हाई स्कूल बोलते हैं। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस प्रोजेक्ट्स। और उन्हें यही सब एक्सपेरिमेंट कर करके जो रीजनल और इंटरनेशनल साइंस फेयर थे वहाँ पर उन्हें कई सारे प्राइज मिले, ठीक है। तो देखते हैं उन्होंने कौन से प्रोजेक्ट किए थे। फॉर इज 8th grade, अब वो 8th grade में पहुंच चुके हैं। एक बार रिकैप करें, सबसे पहले उन्होंने किंडरगार्टन में बटरफ्लाई कलेक्ट करना स्टार्ट किया, फिर उन्होंने 2nd grade में बटरफ्लाई के 25 स्पीसीज कलेक्ट कर चुके थे, और फिर उन्होंने 7th grade में एक काउंटी साइंस फेयर में मतलब रीजनल साइंस फेयर में हिस्सा लिया और वो वहाँ पर हार गए। तब उन्हें रियल साइंस का मतलब पता चला, मतलब उन्हें अब एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा, ये पता चला। अब वो 8th grade में आ चुके हैं और उन्होंने इस बार क्या ट्राई किया, देखिए। Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. तो इस बार उन्होंने, मतलब इस बार भी वो इस साइंस फेयर में हिस्सा लेने जा रहे हैं, और इस बार उन्हें क्या करने की कोशिश किया, उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश किया कि ये जो वायरल डिजीज़ होता है जिस वजह से सभी मोनार्क कैटरपिलर्स मर जाते हैं हर कुछ साल बाद, ये वायरल डिजीज़ किस कारण से होता है, उसका कॉज क्या है, ये उन्होंने इस बार सोचा कि ये हम करके दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। Ebright thought the disease might be carried by a beetle. एवराइट को लगा कि ये डिजीज़ जो है ये एक बीटल कैरी करता है, बीटल एक कीड़ा होता है, पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसको बीटल बोलते हैं। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। तो उन्होंने क्या किया, कैटरपिलर को रेज करना स्टार्ट कर दिया, उसको पालना पोसना स्टार्ट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स में, ठीक है, उसके मौजूदगी में। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, ही सेड। तो उन्होंने बीटल्स के प्रेजेंस में कैटरपिलर को उगाया, मतलब उसे ग्रो करवाया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कैटरपिलर मर गए, वो तो जिंदा ही बचे रहे। तो वही यहाँ पे एब्राइट बोलते हैं कि मुझे कोई ऐसा रिजल्ट देखने को नहीं मिला।
बट आई वेंट अहेड एंड शोड डैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट दिस टाइम आई वॉन्ट. लेकिन उन्होंने यही प्रोजेक्ट को अपने उस काउंटी साइंस फेयर में शो किया और उन्हें इस बार एक्सपेरिमेंट ट्राई करने के लिए उन्हें इस बार प्राइज मिला और इस बार वो जीत गए. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ फेल होकर भी साइंस में कुछ सीखने को ही मिलता है, वो यहाँ पे बताया गया है. चलिए अब नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर आप वो कहाँ पहुँच चुके हैं, 8th ग्रेड से 9th ग्रेड में पहुँच चुके हैं. अब ये सब आप याद करते चलिएगा. ठीक है, एक बार रिकैप करते हैं. सबसे पहले उन्होंने किंडरगार्टन में क्या किया, चीज़ों को बटरफ्लाई कलेक्ट करना स्टार्ट किया. फिर 2nd ग्रेड में 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई वो कलेक्ट कर चुके थे. फिर 7th ग्रेड में वो काउंटी साइंस फेयर में हिस्सा लेते हैं और उसमें वो हार जाते हैं. फिर उन्हें पता चलता है कि रियल साइंस का मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंट करके दिखाना. फिर 8th ग्रेड में वो कॉज ऑफ वायरल डिजीज़ के बारे में पता लगाते हैं और ये पता करते हैं कि वो वायरल डिजीज़ बीटल्स के कारण नहीं होता है. ठीक है, अब आते हैं 9th ग्रेड में, मतलब हाई स्कूल में पहुँच चुके हैं, बोल सकते हैं इसको फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल. ठीक है, द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी डेट वाइसराय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क. इस बार उनका प्रोजेक्ट था ये टेस्ट करना कि वाइसराय बटरफ्लाई जो है वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करते हैं. आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये ऊपर वाला है मोनार्क बटरफ्लाई और नीचे वाला है वाइसराय बटरफ्लाई. इन दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है क्या? अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाइसराय बटरफ्लाई में एक यहाँ पे ब्लैक लाइन गया हुआ है, ठीक है, जो इस वेन्स को कट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वैसा कोई ब्लैक लाइन नहीं है. समझ रहे हैं? तो ये डिफरेंस है दोनों में. तो इस बार उनका ये प्रोजेक्ट था कि ये टेस्ट करना कि ये जो वाइसराय है ना, ये जो वाइसराय है ये मोनार्क को कॉपी करता है. ठीक है, तो देखते हैं. द थ्योरी वॉज डैट वाइसरॉयज लुक लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स. थ्योरी ये था कि वाइसरॉय चाहते हैं कि वो मोनार्क जैसे दिखने लगे, उनका कॉपी करना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि मोनार्क अच्छे टेस्ट नहीं करते हैं बर्ड्स को, मतलब बर्ड्स जो है वो मोनार्क को नहीं खाते हैं बल्कि वाइसरॉय को खाते हैं. इसलिए वाइसरॉय चाहते हैं कि हम भी मोनार्क जैसे बन जाएंगे तो बर्ड से बच जाएंगे. वाइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स. वाइसरॉय बर्ड को काफ़ी पसंद है तो बर्ड्स वाइसरॉय को खाते हैं. सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर. तो जितना ज़्यादा ये वाइसरॉय मोनार्क की तरह दिखेंगे उतना ही कम चांस होगा कि वो बर्ड्स का डिनर बन जाए, बर्ड्स का खाना बने. ठीक है, समझ रहे हैं ना बात का गहराई? चलिए, एवराइज प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इनफैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क. तो एवराइज का प्रोजेक्ट था कि ये देखना कि बर्ड्स मोनार्क को खाते हैं कि नहीं. इस थ्योरी के हिसाब से तो पता चलता है कि बर्ड्स मोनार्क को नहीं खाएंगे. तो देखते हैं उन्होंने क्या पता लगाया. ही फाउंड डैट अ स्टारलिंग. स्टारलिंग एक यूरोपियन बर्ड है, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं. ये स्टारलिंग जो है वो वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड. ये ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाता है. इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड गेट. तो थ्योरी क्या था कि बर्ड्स मोनार्क को नहीं खाएंगे, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि जो स्टारलिंग एक बर्ड है वो सभी मोनार्क को खा गया. एवराइट सेट लेटर रिसर्च बाई अदर पीपल शो डैट वाइसरॉय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क. लेकिन ये बात तो सच है कि वाइसरॉय जो है वो कॉपी करते हैं मोनार्क को, लेकिन उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि जो बर्ड है वो मोनार्क को भी बराबरी खाते हैं. ठीक है, तो दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड 3rd ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर. तो उस काउंटी साइंस फेयर में इस प्रोजेक्ट को जूलॉजी डिवीजन में फर्स्ट रैंक मिला और ओवरऑल साइंस फेयर में उन्हें 3rd रैंक मिला. ठीक है, तो समझे कि नहीं? तो इस 9th ग्रेड में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि वाइसराय बटरफ्लाई मोनार्क को कॉपी करते हैं कि नहीं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल. सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल मतलब हम समझ रहे हैं क्लास टेन में रिचर्ड एब्राइट बिगैन द रिसर्च डैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन. उन्होंने एक ऐसा रिसर्च किया जिस वजह से उन्हें एक इंसेक्ट हार्मोन के बारे में पता चला, एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन के बारे में. ठीक है, इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द सेल्स ऑफ लाइफ. और कहीं ना कहीं यही हार्मोन का वजह से उनका जो एक नया थ्योरी था जो सेल्स का जो लाइफ है उसके बारे में एक नया थ्योरी डेवलप करने का उन्हें मौका मिला इसी इंसेक्ट हार्मोन का वजह से. देखते हैं आगे उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या किया. द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल. एक ही क्वेश्चन का उन्होंने जवाब देने की कोशिश किया. वो क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा. याद देख रहे हैं पिक्चर में मोनार्क प्यूपा में छोटे छोटे डॉट्स है.
ठीक है, वो सोचने लगे कि ये जो गोल्डन कलर का डॉट है इसका पर्पस क्या है, काम क्या है। एवरी वन अज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, एब्राइट सेड। एब्राइट बोलते हैं कि हर कोई तो ये मान के चलता है कि जो स्पॉट है ना ये सिर्फ सजावट के लिए, इसका कोई काम नहीं है। बट डॉक्टर यूकार्ट डिडंट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर यूकार्ट ये माने नहीं। इनका फुल नाम क्या है बोलिए, डॉक्टर फ्रेडरिक ए यूकार्ट। किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इन कनाडा। समझे कि नहीं समझे, चलिए अब आगे देखते हैं। टू फाइंड द आंसर, ए ब्राइट एंड अंदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस डेट शोड दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि इस टाइनी गोल्ड स्पॉट्स का काम क्या है, इसका जवाब ढूंढने के लिए एब्राइट और एक बहुत ही समझदार बच्चा, साइंस का बच्चा, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक डिवाइस को बिल्डअप किया। वो डिवाइस से ये शो हुआ कि जो स्पॉट्स है ना, जो टाइनी स्पॉट्स है मोनार्क प्यूपा पे, ये स्पॉट एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं जिस हार्मोन से बटरफ्लाई का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, बॉडी को डेवलप करने में हेल्प होता है। तो दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर। तो इस प्रोजेक्ट का वजह से एब्राइट को इस बार क्या मिला, फर्स्ट प्लेस मिला। इसके पहले जो प्रोजेक्ट हुआ था इसमें क्या मिला था, फर्स्ट इन द जूलॉजी डिपार्टमेंट, लेकिन थर्ड मिला था ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर में, लेकिन इस बार इन्हें फर्स्ट मिला, ठीक है, ओवरऑल में। एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। अब रीजनल फेयर में तो वो बहुत हिस्सा ले लिया, उन्होंने काफ़ी जीता वहाँ पे, अब इस वजह से उन्हें अब कहाँ एंट्री मिल गया, इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में हिस्सा लेने का मौका मिल गया। समझ रहे हैं बात का गहराई। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस इन जूलॉजी, और इंटरनेशनल फेयर में उन्होंने जूलॉजी में तीसरा स्थान पाया। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। तो उन्हें इस प्रोजेक्ट के बाद से उन्हें क्या मिला, समर के टाइम में वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, इस इंस्टीट्यूट में एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में, एंटोमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ इंसेक्ट, जहाँ पे इंसेक्ट का स्टडी होता हो, ठीक है, तो इस लेबोरेटरी में वर्क करने का मौका मिला, ठीक है। तो एक बार रिकैप करते हैं, बहुत हैवी हो रहा है। सबसे पहले उन्होंने किंडरगार्टन में बटरफ्लाई कलेक्ट करना स्टार्ट किया, फिर जब वो सेकेंड ग्रेड में पहुँच गए तब उन्होंने 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई कलेक्ट किया, ठीक है। फिर उन्हें ये बुक मिला था ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क सेकेंड ग्रेड में ही, ठीक है। फिर उन्होंने बटरफ्लाई को टैग किया, फिर टैगिंग से उनका इंटरेस्ट हटने लगा क्योंकि ये काफ़ी टेडियस वर्क था। फिर सेवन्थ ग्रेड में उन्हें पता चलता है कि रियल साइंस क्या होता है, ठीक है, जब वो एक काउंटी साइंस फेयर में हिस्सा लेते हैं और उसमें हार जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि साइंस में रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाना होता है, ठीक है। फिर एट्थ ग्रेड में उन्होंने एक ऐसे वायरल डिजीज़ का कॉज पता करने की कोशिश किया जिस वजह से जो मोनार्क कैटरपिलर है वो मर जाते हैं। फिर क्लास नाइन में उन्होंने ये थ्योरी को टेस्ट करने की कोशिश किया कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करते हैं। इस वजह से उन्हें जूलॉजी डिपार्टमेंट में फर्स्ट डिवीजन मिला, फर्स्ट रैंक मिला, और पूरे साइंस फेयर में उन्हें थर्ड रैंक मिला। फिर क्लास टेन में उन्होंने एक ऐसे हार्मोन के बारे में पता लगाने की कोशिश किया जिस हार्मोन से, जो हार्मोन कहाँ से निकलता है, टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन मोनार्क पीपा, यहाँ से निकलता है, ठीक है। तो उन्होंने एक ऐसे डिवाइस को बिल्डअप किया जिस डिवाइस से ये पता चलता है, ये शो होता है कि जो हार्मोन है वो बटरफ्लाई का फुल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। और इसी वजह से उन्हें इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में हिस्सा लेने का मौका मिला, और उन्हें जो आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के लेबोरेटरी में भी काम करने का मौका मिला, ठीक है। अब वो कहाँ, कौन से क्लास में जाएंगे, अब वो क्लास 11 में जाएंगे। तो देखिए, हाई स्कूल जूनियर बोला गया है, हम आपको बताते थे कि क्लास 11 को हाई स्कूल जूनियर भी बोला जाता है और क्लास 12 को हाई स्कूल सीनियर बोला जाता है, ठीक है। तो एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा। जब वो क्लास 11 में पहुंच गए तब उन्होंने और भी एडवांस एक्सपेरिमेंट किया मोनार्क प्यूपा पर। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस इन द इंटरनेशनल साइंस फेयर। अब देख रहे हैं उनका ग्रोथ देख रहे हैं आप, उस साल उन्होंने इंटरनेशनल साइंस फेयर में पहला स्थान पाया। एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। और उन्हें एक और चांस मिल गया उस आर्मी लेबोरेटरी मतलब ये वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में काम करने का एक और मौका मिल गया, ठीक है, ड्यूरिंग द समर में। इन ही सीनियर ईयर मतलब यहाँ पे हाई स्कूल सीनियर का बात किया जा रहा है, मतलब क्लास 12 में, ही वेंट अ स्टेप फर्दर, उन्होंने कुछ और काम किया। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क विंग्स इन अ कल्चर एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। इस बार उन्होंने क्या किया कि मोनार्क बटरफ्लाई जो है उसका एक विंग लिया, पंख लिया, और उस पंख को ग्रो करके दिखाया, बड़ा करके दिखाया इन अ कल्चर, कल्चर मतलब आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में, ठीक है।
उन्होंने क्या, उन्होंने ये शो किया कि द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली इफ दे आर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। देखिए, उन्होंने सबसे पहले एक मोनार्क बटरफ्लाई का छोटा सा पंख ले लिया और इस पंख को थोड़ी देर में बड़ा करके दिखाया और उन्होंने ये प्रूफ कर दिया, शो कर दिया कि ये जो सेल्स है डिवाइड होकर इतना बड़ा तभी बन पाता है जब इस सेल्स को क्या फीड किया जाए, दे वर फेड हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। वो गोल्ड स्पॉट्स कौन सा गोल्ड स्पॉट है, वही टाइनी गोल्ड स्पॉट है जो मोनार्क पीपा पे प्रेजेंट होता है। उन्होंने पहले शो किया था कि इस गोल्ड स्पॉट से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है और यही हार्मोन नेसेसरी है फॉर बटरफ्लाई फुल डेवलपमेंट के लिए। तो इस बार उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट का प्रूफ भी दिखा दिया क्लास 12 में आके कि जो एक बटरफ्लाई का जो विंग होता है ना, वो विंग्स नॉर्मल डेवलप विंग्स तभी बन पाता है जब उस विंग्स को क्या मिले, हार्मोन मिले वो गोल्ड स्पॉट से। ठीक है, तो दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी इन द इंटरनेशनल फेयर। तो इस प्रोजेक्ट को भी फर्स्ट रैंक मिला जूलॉजी डिपार्टमेंट में इंटरनेशनल फेयर में। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन ड्यूरिंग डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी। अब क्लास 12 वो पास कर चुके, क्लास 12 पास करने को भी वहाँ पे ग्रेजुएशन बोलते हैं अमेरिका में। ठीक है, तो ग्रेजुएशन करने के बाद समर वो कहाँ स्पेंड किए, वही आर्मी लेबोरेटरी में उन्होंने समर स्पेंड किया एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और यहाँ पर भी उन्होंने उन्हें काम करने का मौका मिला। ये आर्मी लेबोरेटरी मतलब कौन सा लेबोरेटरी आप समझ रहे हैं ना, ये वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी को में उन्हें काम करने का मौका मिला। ठीक है, अब क्लास 12 वो पास कर चुके हैं। द फॉलोइंग समर, अगले समर में मतलब अगले साल आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर, मतलब अब फर्स्ट ईयर भी वो पास कर चुके हैं एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है ये, यहाँ पे वो जब फर्स्ट ईयर पास कर चुके थे, एवराइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। वो वापस फिर इसी लेबोरेटरी में जाते हैं, लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इस लेबोरेटरी में जाके डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम गोल्ड स्पॉट्स, वही हार्मोन पे और ज़्यादा काम करते हैं जो वो गोल्ड स्पॉट से निकलता है। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, अब चूंकि ये बहुत ही हाईफाई लेबोरेटरी है तो यहाँ पे काफ़ी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट थे, कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल नेचर। इस बार वो क्या किए, वो जो हार्मोन निकलता है गोल्ड स्पॉट से उस हार्मोन का केमिकल नेचर कैसा है, कौन सा केमिकल से बना हुआ है, ये उन्होंने पता लगा लिया। अ ईयर एंड अ हाफ लेटर, अब देखिए फर्स्ट ईयर तो बीत ही चुका था और डेढ़ साल बाद मतलब सेकेंड ईयर भी बीत चुका ड्यूरिंग इस जूनियर ईयर मतलब थर्ड ईयर याद कीजिए आप। ठीक है, एवराइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। इस बार उन्हें आइडिया मिला कि जो सेल लाइफ है ना उसके बारे में एक नया थ्योरी लिखने का आइडिया मिला। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन। तो वो हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर देख ही रहे थे, उसके एक्सरे का फोटो देख रहे थे, तब उन्हें आइडिया मिला कि सेल लाइफ कैसे कैसे होता है। ठीक है, मतलब सेल कैसे जन्म लेता है, फिर कैसे उनका ग्रो होता है, फिर कैसे उनका डेथ होता है, वो सब उन्होंने पता लगाया। When he saw those photos, Ebright didn't shout Eureka or even I have got it। जब उन्होंने वो फोटोज़ को देखा तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि यूरेका चिल्ला दिया, यूरेका मतलब एक जीत का चीख है। ठीक है, ऐसा चिल्ला के बोलते यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट, ऐसा भी नहीं बोला कि जस्ट हो गया ऐसा काम, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग विथ हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हॉर्मोन्स द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल्स, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स DNA। उन्हें ये विश्वास हो गया कि हॉर्मोन्स के अलावा ये फोटोज़ में उन्हें ये भी चीज़ पता चला कि उन्होंने एक बायोलॉजी का जो पजल है उसका आंसर पता कर लिया है। वो पजल क्या है, हाउ कैन द सेल रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स DNA। मतलब होता क्या है कि ये अगर मान लीजिए हम लोग का सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, ठीक है, उसके अंदर DNA होता है। तो ये जो सेल है ना इस DNA को कैसे समझता है और रीड करता है, इस पजल के बारे में उन्हें पता चल गया उस हार्मोन उस एक्सरे को देखकर। ठीक है, DNA क्या होता है, DNA इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। तो अभी मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर DNA होता है। तो यहाँ पे लिखा गया कि DNA एक ऐसा सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस ऑफ अ सेल में प्रेजेंट होता है और ये हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। मतलब इस DNA के अंदर ही इन्फॉर्मेशन होता है कि आपके अंदर कौन सा गुण आने वाला है आपके मम्मी पापा से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पापा लंबे हैं और आपकी मम्मी लंबी है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना कि आप भी लंबे होंगे, ये इन्फॉर्मेशन किसके जरिए आता है, DNA के जरिए आता है। मतलब DNA में ही ये इन्फॉर्मेशन होता है कि आपका बॉडी का फीचर्स क्या क्या होगा। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, ठीक है, आपका सेल का कैसा आकार होगा, क्या क्या फंक्शन होगा, ये DNA ही तय करता है।
दस डीएनए इज द ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ। तो बोल सकते हैं कि डीएनए क्या है, लाइफ का ब्लू प्रिंट है। मतलब जैसा डीएनए में इंफॉर्मेशन है वैसे वैसे ही आपका शरीर बनेगा, ठीक है। तो उन्होंने ये पजल भी सुलझा लिया था कि सेल कैसे रीड करता है डीएनए के ब्लू प्रिंट को, कैसे समझता है कि डीएनए में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अभी तक हमने समझ लिया कि उन्होंने जूनियर ईयर मतलब थर्ड ईयर तक क्या क्या चीज़ समझा और क्या क्या चीज़ अचीव किया, ठीक है। एक बार रिकैप कर ले क्या, चलिए कर लेते हैं एक बार रिकैप। सबसे पहले हमने देखा था कि उन्होंने केजी क्लास में बटरफ्लाई कलेक्ट करना स्टार्ट किया, फिर सेकेंड ग्रेड में बटरफ्लाई का 25 स्पीसीज को कलेक्ट किया उन्होंने, ये बुक को भी पढ़ा उन्होंने, फिर बटरफ्लाई टैगिंग स्टार्ट कर दिया, फिर टैगिंग में इंटरेस्ट उनका लूज़ हो गया, फिर ऐसे करते करते वो सेवन्थ ग्रेड में पहुंच चुके, काउंटी साइंस फेयर में हिस्सा लेते हैं, उसमें लूज़ कर जाते हैं और तब उन्हें पता चला कि रियल साइंस क्या होता है। एट्थ ग्रेड में उन्होंने वायरल डिजीज़ के बारे में पता लगाया, फिर नेक्स्ट ईयर में मतलब नाइन्थ क्लास में उन्होंने ये पता करने की कोशिश किया कि वाइसरॉय मोनार्क को कॉपी करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल क्लास टेन में उन्होंने एक ऐसे हार्मोन के बारे में रिसर्च किया जो हार्मोन उस टाइनी गोल्ड स्पॉट से निकलते हैं ऑन मोनार्क प्यूपा, और ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका प्रोजेक्ट था, रिसर्च था, ठीक है। इसी हार्मोन का वजह से आगे का आने वाला साल में उन्होंने काफ़ी सारा और इंपॉर्टेंट रिसर्च किया, ठीक है। देखिए उन्होंने हाई स्कूल जूनियर मतलब क्लास 11 में और एडवांस रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया मोनार्क प्यूपा पर, फिर सीनियर ईयर मतलब क्लास 12 में उन्होंने ये शो कर दिया कि जो सेल है वो तभी डिवाइड होते हैं, मतलब वो विंग था तभी ग्रो किया जब उस हार्मोन को फीड किया गया, ठीक है। और तब उन्हें इस आर्मी लेबोरेटरी में भी काम करने का मौका मिला एक और साल, और उन्हें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में भी उसके लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला। फिर फर्स्ट ईयर के बाद उस लेबोरेटरी के सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके, किस लेबोरेटरी के, इस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के, ठीक है, उन्होंने ये पता लगा लिया कि उस हार्मोन का केमिकल नेचर क्या है। फिर थर्ड ईयर में मतलब जूनियर ईयर में जाके उन्होंने उस हार्मोन का एक्सरे फोटो देखा और फिर उन्हें एक आइडिया मिला कि सेल के लाइफ के बारे में कुछ लिखा जाए, और उन्होंने बायोलॉजी का ये पजल भी सुलझा दिया कि सेल कैसे उस डीएनए के ब्लूप्रिंट को रीड करता है, ठीक है। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन। तो एब्राइट और उनके कॉलेज के रूममेट थे जेम्स आर वोंग, उन्होंने उस सारी रात काम किया पिक्चर्स ड्रॉ करते हुए, और प्लास्टिक मॉडल उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया उस मॉलिक्यूल्स को ताकि शो कर पाए कि ये कैसे होता है, सेल्स कैसे उस डीएनए को रीड करता है। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। फिर दोनों ने मिलके उस थ्योरी के बारे में लिखा और उस थ्योरी को एक्सप्लेन किया, और इसी थ्योरी के बारे में हमने स्टार्टिंग में देखा था कि यही थ्योरी छपा था उन्होंने जब वो जब 22 साल में थे, तब उनका और उनके एक रूममेट का मतलब जेम्स आर वोंग का ये थ्योरी छपा हुआ था, कौन से साइंटिफिक जर्नल में, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट माना गया था उस समय। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। तो जो उन्हें जानते थे उनके लिए तो ये कोई सरप्राइज का बात नहीं था, रिचर्ड एब्राइट ने ग्रेजुएट कर लिया मतलब वो फोर्थ ईयर भी पास कर चुके थे कहाँ से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, और हाईएस्ट ऑनर्स के साथ, और वो पूरे क्लास में मतलब 1510 का क्लास था उसमें वो सेकेंड आए, ठीक है। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, और फिर वो रिसर्चर बन गए, ठीक है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। देयर ही बिगैन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी, और वहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया अपने थ्योरी को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर इन दोनों ने मिलकर जो थ्योरी लिखा है ना, अगर ये थ्योरी सही साबित हो गया तो ये एक बड़ा स्टेप होगा टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, लाइफ का जो प्रोसेस है मतलब सेल्स कैसे डिवाइड होता है इसको समझने में ये काफ़ी हेल्प करेगा। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेज, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि नए नए आइडियाज़ को हम लोग डेवलप कर पाए ताकि हम लोग कैंसर जैसे बड़े बड़े बीमारी और भी कई सारे बीमारी को प्रिवेंट करने में हेल्प मिलेगा, ठीक है, अगर ये थ्योरी सही साबित हुआ तो। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। तो एब्राइट ने अपने लाइफ में इतना चीज़ अचीव किया ये सब हुआ बिकॉज ऑफ हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में ही कुछ उनके फीचर्स को याद किया था, याद है, उसमें से क्यूरियोसिटी भी था, ड्राइविंग क्यूरियोसिटी याद होगा आपको। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट्स ऑन मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। उन्होंने हाई स्कूल मतलब क्लास टेन में उन्होंने एक रिसर्च किया था कि उस मोनार्क प्यूपा में स्पॉट्स का क्या काम है, उसी
उनका जो रिसर्च का वजह से आज ये इतना बड़ा जो थ्योरी है सेल लाइफ के बारे में उन्होंने वो लिख पाया। ठीक है, तो ये सब हुआ क्यूरियोसिटी के बारे में। अगर उनके मन में ये जिज्ञासा ही नहीं होता ये स्पोर्ट्स का काम क्या है, तो क्या वो इतना बड़ा चीज़ अचीव कर पाते क्या? नहीं कर पाते। ठीक है, रिचर्ड एबराइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस हिज फर्स्ट बिगैन कलेक्टिंग बटरफ्लाई। तो रिचर्ड एबराइट साइंस में इतना इंटरेस्ट तभी हुए जब वो बटरफ्लाई को कलेक्ट करना स्टार्ट किए थे किंडरगार्टन में, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। लेकिन इतना ज़्यादा भी वो साइंस में इंटरेस्टेड नहीं थे कि उन्हें बाकी चीज़ करने के लिए टाइम ना मिला हो। मतलब वो और भी कई सारी चीज़ भी करते थे, देखते हैं वो क्या क्या चीज़ करते थे। एबराइट ऑल्सो बिकम अ चैम्पियन डिबेटर एंड अ पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन। वो एक काफ़ी अच्छे डिबेटर भी थे, पब्लिक स्पीकर भी थे, एक गुड कैनोइस्ट, कैनोइस्ट मतलब एक लाइट बोट होता है, अच्छे चलाते थे इसको, एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन। ठीक है, और काफ़ी ओवरऑल एक अच्छा उनका पर्सनैलिटी था। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट। काफ़ी अच्छे वो फोटोग्राफर भी है, खासकर से नेचर का काफ़ी अच्छा फोटो खींचते हैं और साइंटिफिक मॉडल्स का अच्छा फोटो खींचते हैं वो। इन हाई स्कूल रिचर्ड एबराइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट। स्ट्रेट ए स्टूडेंट ऐसा स्टूडेंट होता है जो अपने सभी सब्जेक्ट्स में ग्रेड ए स्कोर करे। ठीक है, तो वो ऐसे स्टूडेंट थे। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही टर्न अ लॉट ऑफ हिस एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब। तो उनके लिए चीज़ों को पढ़ना समझना याद करना काफ़ी आसान काम था, इसीलिए उन्होंने अपना एनर्जी को कहाँ डाइवर्ट किया, डिबेटिंग की तरफ और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब। इसमें सिखाया जाता है कि मतलब डिप्लोमेसी के बारे में सिखाया जाता है और बाकी जो कंट्रीज है उनके बीच में कैसा रिलेशंस है, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब चीज़ के बारे में सिखाया जाता है। तो उन्होंने ये सब चीज़ में भी अपना एनर्जी को लगाया, मतलब ये सब चीज़ के बारे में भी उन्होंने सीखा। ही ऑल्सो फाउंड सम वन टू एडमायर, रिचर्ड ए वेरर। ही इज सोशल स्टडीज टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स। रिचर्ड एबराइट एक जन को एडमायर भी करते थे। किसको एडमायर करते थे? वो रिचर्ड ए वेरर को एडमायर करते थे। एडमायर करना मतलब इनको फॉलो करते थे वो। ये कौन थे? ये एक उनके सोशल स्टडीज़ के टीचर थे और एडवाइजर भी थे टू बोथ क्लब। इन्होंने ही एडवाइस की दिया था रिचर्ड एबराइट को कि तुम जाओ और डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब में पार्टिसिपेट करो, यहाँ से कुछ सीखो। ठीक है, मिस्टर वेरर, ठीक है, मतलब रिचर्ड ए वेरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। वो उनके लिए एक परफेक्ट इंसान थे। ही ओपन्ड माई माइंड टू न्यू आइडियाज़। यही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने उन्हें नए नए आइडियाज़ को ग्रैप करने में उन्हें हेल्प किया था, एबराइट सेड। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेरर सेड। तो मिस्टर वेरर बोलते हैं कि रिचर्ड एबराइट हमेशा किसी भी काम को करते थे तो एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर देते थे। तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये उनका एक और फीचर हो गया रिचर्ड एबराइट का कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट देते थे हर काम में। वॉट प्लीज्ड मी वॉज हेयर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च बिसाइड्स डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड हिज अदर इंसेक्ट्स। तो मिस्टर वेरर बोलते हैं कि रिचर्ड एक ऐसा इंसान था जो हर रात को 3 to 4 hours देता था डिबेटिंग रिसर्च के लिए, और दिन भर वो बटरफ्लाई के ऊपर और काफ़ी सारे इंसेक्ट के ऊपर तो रिसर्च करता ही था, लेकिन वो उसके बावजूद भी 3 to 4 hours निकाल लेता था डिबेट के ऊपर रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो रिचर्ड में ये भी खास बात था कि वो हर काम को एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ करते थे। तो और भी उनका कई सारा फीचर तो हमने स्टार्टिंग में देखा ही था कि उनका ब्राइट माइंड था, क्यूरियोसिटी था, डिटर्मिनेशन था, उसमें एक और ऐड हो गया एक्स्ट्रा एफर्ट वो लगाते थे। ठीक है, रिचर्ड वॉज कम्पिटिटिव। रिचर्ड एक कम्पिटिटिव इंसान भी थे, मतलब उनको कम्पिटिशन करना अच्छा लगता था, मिस्टर वेरर कंटिन्यूड, बट नॉट इन अ बैड सेंस। लेकिन वो कम्पिटिटिव थे, ऐसा नहीं था कि बुरे सेंस में कम्पिटिटिव, किसी को हराने के लिए वो नहीं जीतते थे। ठीक है, ही एक्सप्लेन्ड, रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। ऐसा नहीं था कि रिचर्ड किसी काम को अच्छे से करते थे इसलिए कि वो जीत पाए, जीतने के लिए या फिर किसी प्राइज को जीतने के लिए, ऐसा नहीं था, किसी को हराने के लिए वो नहीं जीतते थे। Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. वो इसलिए जीतते थे क्योंकि वो अपने आप से बेस्ट होना चाहते थे। पिछली बार जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया वो उससे अच्छा परफॉर्मेंस अगले बार करना चाहते थे। ठीक है, वो अपना बेस्ट देना चाहते थे हर चीज़ में, मतलब इसको बोलते हैं खुद से लड़ाई करना। ठीक है, फॉर राइट रीजन्स ही wants to be the best. अच्छे रीजन के लिए वो एक बेस्ट बनना चाहते थे। ठीक है, ये भी उनका खास बात है। तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, उनका एक और फीचर ऐड हो गया कि वो एक कम्पिटिटिव इंसान थे और अच्छे रीजन के लिए वो कम्पिटिशन करते थे। एंड दिस इज़ वन ऑफ द इन्ग्रीडियंट्स इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो एक साइंटिस्ट बनाने के लिए ये भी एक इन्ग्रीडियंट है, मतलब ये भी एक मसाले के रूप में काम करता है। तो क्या क्या सामान चाहिए हमें एक साइंटिस्ट को बनाने के लिए, यहाँ पे समराइज़ किया गया है। स्टार्ट विथ अ फर्स्ट रेट माइंड, सबसे पहले आप एक अच्छा सा दिमाग ले लीजिए, उसमें क्यूरियोसिटी ऐड कर दीजिए और उसको मिला दीजिए अच्छे से विल के साथ, विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स, मतलब आपको जीतना है लेकिन अच्छे काम करने के लिए जीतना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अगर आप मिक्स कर देंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, साइंटिस्ट मिलेगा।
मतलब एक कुकिंग रेसिपी की तरह यहाँ पर लिखा गया है। एब्राइट हैड दिस क्वालिटीज़, एब्राइट के पास ये सभी क्वालिटीज़ थे। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। तो हमें पता था कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब उन्होंने ये बुक पढ़ा ना द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, तभी उन्हें साइंस का असली मतलब पता चला था। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ साइंस उनके लिए ओपन हो गया था। तब से लेकर रिचर्ड ने कभी भी अपना साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को लूज़ नहीं होने दिया, वो हमेशा उतने ही क्यूरियस रहे जितना कि वो बचपन में रहते थे। ठीक है, और इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाता है। एक बार रिकैप करें क्या? एक बार रिकैप करना तो बनता है क्योंकि काफ़ी ये थोड़ा टफ स्टोरी लग रहा है। चलिए एक बार रिकैप करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि रिचर्ड एब्राइट को बटरफ्लाइज की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन था। ठीक है, फिर एट द एज ऑफ 22 रिचर्ड एच एब्राइट और उनके एक कॉलेज के रूममेट दोनों ने मिलकर एक ऐसा थ्योरी लिखा सेल्स वर्क के बारे में। ठीक है, कि वो थ्योरी कहाँ पे छप गया? प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में छप गया। ठीक है, हमें पता है, हमने आगे देखा था कि वो तब थर्ड ईयर में थे, जूनियर ईयर में। ठीक है, और ऐसा पहली बार हुआ था। फिर उनका पालन पोषण रीडिंग पेंसिल्वेनिया में हुआ। फिर किंडरगार्टन में उन्होंने बटरफ्लाई कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया डिटर्मिनेशन के साथ। ठीक है, फिर क्यूरियोसिटी था, ब्राइट माइंड था उनका, फिर मदर ने उनको काफ़ी हेल्प किया ये सब चीज़ में। फिर सेकेंड ग्रेड में उन्होंने बटरफ्लाई के 25 स्पीसीज कलेक्ट कर लिया होम टाउन में। ठीक है, ये 25 स्पीसीज का नाम यहाँ पे दिया गया, याद नहीं करना है आपको। फिर उनकी मम्मी ने उन्हें एक बुक ला के दिया, यही बुक इतना इंपॉर्टेंट है जिस वजह से उनका पूरा लाइफ चेंज हो गया, वर्ल्ड ऑफ साइंस ओपन हो गया बोल सकते हैं। ठीक है, ये बुक का नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, और इस बुक में बताया गया था कि मोनार्क बटरफ्लाई कैसे माइग्रेट करते हैं सेंट्रल अमेरिका तक। ठीक है, फिर उन्होंने बटरफ्लाई को टैग किया, डॉक्टर फ्रेडरिक ए यूकार्ट ये रिसर्चर थे। ठीक है, फिर एब्राइट का अगला स्टेप था कि बटरफ्लाई को रेस करना। फिर उनको टैगिंग में इंटरेस्ट लूज़ होने लग गया, और क्योंकि ये काफ़ी टेडियस काम था। ठीक है, उसके बाद वो सेवन्थ ग्रेड में पहुँचते हैं और ये काउंटी साइंस फेयर में हिस्सा लेते हैं, जिसमें वो लूज़ कर जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि रियल साइंस क्या है, रियल साइंस मतलब रियल एक्सपेरिमेंट करना होता है। ठीक है, फिर उनके अंदर कम्पिटिटिव स्पिरिट आता है। फिर वो डॉक्टर यूकार्ट को लेटर लिखते हैं आइडियाज़ के लिए, फिर डॉक्टर यूकार्ट उन्हें काफ़ी सारे आइडियाज़ देते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एथ ग्रेड में वो कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो बताते हैं कि वायरल डिजीज़ का कॉज क्या है, वो वायरल डिजीज़ जिस वजह से काफ़ी सारे कैटरपिलर मर जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर मतलब नाइन्थ क्लास में उन्होंने ये शो किया कि वाइसरॉय कॉपी करते हैं मोनार्क बटरफ्लाई को। फिर सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल क्लास टेन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च किया था उन्होंने। ठीक है, उन्होंने ये शो कर दिया कि जो मोनार्क प्यूपा के जो टाइनी गोल्ड स्पॉट्स है वहाँ से हॉर्मोन्स निकलता है, उस हॉर्मोन्स का काम क्या है। ठीक है, और यही आगे चल के उनका जो न्यू थ्योरी ऑन सेल्स लाइफ है ये डेवलप करने में हेल्प किया। फिर यही एक्सपेरिमेंट का वजह से उन्हें इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में हिस्सा लेने का भी मौका मिला। फिर उन्हें ये आर्मी लेबोरेटरी मतलब एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, इसमें काम करने का मौका मिला समर के टाइम में। हाई स्कूल जूनियर क्लास 11 में उन्होंने और भी एडवांस एक्सपेरिमेंट किया मोनार्क प्यूपा पर। फिर क्लास 12 में उन्होंने उस शो कर दिया कि यही हार्मोन का वजह से सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं, और उन्होंने विंग को ग्रो करके दिखा दिया वहाँ पे आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट मतलब कल्चर में। ठीक है, फिर उन्हें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में भी काम करने का मौका मिला। फिर फर्स्ट ईयर में मतलब फ्रेशमैन ईयर में उन्होंने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के जो लेबोरेटरी में सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट थे, उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके उन्होंने उस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा लिया। और फिर थर्ड ईयर में जाके उन्होंने उसी हार्मोन का एक्सरे फोटो निकाला, और उसी एक्सरे फोटो से उन्होंने ये पता लगा लिया कि जो सेल है वो कैसे डीएनए को रीड करते हैं। और फिर उसी रात को एब्राइट और उनके कॉलेज के रूममेट जेम्स आर बोम, इसी के बारे में फर्स्ट में जिक्र किया गया था, ये दोनों मिलके उस थ्योरी को लिखते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं, और यही थ्योरी जाके उसमें उस साइंटिफिक जर्नल में छप जाता है। जर्नल का नाम क्या है? प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में। ठीक है, और उसमें छपना एक काफ़ी बड़ा बात माना जाता है। फिर रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएट होकर निकल जाते हैं और वो पूरे यूनिवर्सिटी में सेकंड आते हैं। ठीक है, और फिर आगे चल के वो ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बन जाते हैं एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। ठीक है, और अगर ये और वहाँ पे वो इस अपने थ्योरी को टेस्ट करते हैं, अगर ये थ्योरी राइट हो जाता है तो ये काफ़ी बड़ा स्टेप होगा लाइफ प्रोसेस को समझने में, और काफ़ी सारे कैंसर और काफ़ी सारे डिजीज़ को प्रिवेंट करने में भी ये हेल्प करेगा। तो ये सब पॉसिबल हो पाया ऑल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और जो रिचर्ड एब्राइट है वो अभी भी जिंदा है। ठीक है, चलिए, और वो साइंटिफिक साइंस के अलावा और भी कई सारी चीज़ में वो उनका इंटरेस्ट था, जैसे कि वो डिबेटर थे, पब्लिक स्पीकर थे, अच्छे कैनोइस थे, आउटडोर पर्सन थे। ठीक है, काफ़ी अच्छा फोटोग्राफी भी करते थे, और वो अपने स्कूल लाइफ में स्ट्रेट स्टूडेंट रहे हैं, मतलब हर सब्जेक्ट में उन्होंने ग्रेड ए पाया है।
फिर ऐसे पर्सन को जो एडमायर करते थे वो थे रिचर्ड ए वेयरर, ये उनके सोशल स्टडीज़ के टीचर थे। इन्होंने ही उन्हें एडवाइस किया था कि तुम जाके ये दो क्लब को ज्वाइन कर लो। कौन से दो क्लब? डिबेटिंग एंड मॉरल इमेजिनेशंस क्लब को ज्वाइन कर लो, ठीक है। और उन्हें नए आइडियाज़ को एब्जॉर्ब करने का सिखाया, ठीक है, रिचर्ड एब्राइट को। रिचर्ड एब्राइट हर काम में एक्स्ट्रा एफर्ट दिया करते थे, कम्पिटिटिव थे लेकिन इन अ गुड सेंस में थे। तो लास्ट में उन्होंने समराइज़ किया है कि एक साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होता है। एक अच्छा माइंड चाहिए होता है, क्यूरियोसिटी चाहिए होता है और विल पावर चाहिए होता है। विल पावर वो भी इन अ राइट सेंस, ठीक है, अच्छे रीजन के लिए विल पावर चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ अगर है तो एक इंसान अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, ठीक है। तो यही था ये पूरा स्टोरी, उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा। एंड होता है ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा। स्टोरी थोड़ा बोरिंग हो सकता है क्योंकि हमने एक ही चीज़ को बहुत बार रिपीट कर दिए हम, लेकिन ये सब इसीलिए किए ताकि आपको थोड़ा याद हो जाए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।